आशीष भाई क्या हाल है? आप तो देखिए मतलब एक्टिव हो गया लग खुश रहा हो गए ना? क्या हाल है दोस्त? हम देखे थे, ये बैठा था यहाँ से, हम निकले थे, गए थे वोट डालने। हाँ आपसे वहां चले जाते हैं वो तुम तो यहाँ थे तब? है। तुम बोलिए यहाँ बोलिए। थे तब? लेकिन तुमको हमको मिल, हम आए हैं आशीष भाई की एजेंसी और आशीष भाई ने बोला आज पूजा हम कर देते हैं क्योंकि आज हम नहाए हुए, आशीष भाई भी नहीं नहाए हुए, आज इनकी छुट्टी है क्योंकि, तो पंडित जी आज पूजा कर रहे हैं पीयूष पांडे जी, और उसके बाद फिर शाम को हम लोग पिक्चर देखने जाएंगे थॉर। तो चलो भगवान को थोड़ा याद कर लेते हैं, आज पहली बार हम इनके यहाँ पूजा कर रहे हैं। आपके यहाँ के ऑफिशियल पंडित जी ना हो जाएगा, हो जाएगी और महीने की क्या, सैलरी बन जाएगी और जो गाड़ी की डिलीवरी गाड़ी होती है उसमें सबसे बढ़िया आइए तो सही बोल रहे हो, मैं बन जाता हूँ 101%। वैसे भी अब आशीष भाई दक्षिणा क्या है हमारी? हेलमेट कवर। अरे नहीं यार, दक्षिणा नहीं लेंगे भाई साहब, ने दिए इलेक्ट्रा। ये बाइक जो है जब अपोजिट तरफ नहीं रहता था तब हमको एक बार किसी ने पकड़ाई थी चलाने को, ढंगाते हुए लौटे थे हम, बोले हमसे ना हो पाएगा, थोड़ी दूर तक गए, गियर दबाना हो तो ब्रेक दबा दे, ब्रेक दबाना हो गियर दबा दे, ढंगाते हुए लेके आए से। पहले तो खैर किक कैसे होना चाहिए। वाह वाह, ठीक है भैया, मिलते हैं फिर, है ना, राइड पे चलते हैं फिर। चलो चले, शुभम भी चल दिया, बोल रहा कि रेडी हो जाइए तो जाए पिक्चर देख के आते हैं फिर में ही। अच्छा अलग है, एक साइड पे है। हाँ वो तो पता है, हाँ हाँ वो तो, अरे भोपाल गए हैं भाई, तुम तो ऐसा बता रहे हो, खराब चुकी है यार उनके साथ, ये अच्छी है भाई वो। आज बहुत बड़ा वाला रिस्क ले रहे हैं हम लोग, हम लोग को पता है थॉर का रिव्यू भी बहुत खराब है, उसके बाद भी हम लोग देखने आए, ये रिस्क हमने उसमें भी लिया था मालूम, हमें पता था वो मूवी खराब है, हम उस पे भी गए थे जो लेकिन शायद ये उतना नहीं रुलाएगी, लेकिन हम उसमें आए थे। अक्षय कुमार की भी कौन सी आई थी, पृथ्वीराज चौधरी, तो वो बल्कि ठीक निकल गई थी, उसकी रिव्यू खराब था पर ठीक निकल गई थी। चलो चले, ये मॉल जो है प्रॉपर मॉल जैसा लगता है यहाँ के, अच्छा लगता नहीं, अच्छा लगता ये, अच्छा लगता है यहाँ पे, प्रॉपर मॉल लगता है ये। यहाँ पे फूड कोर्ट अभी खुला कि नहीं खुला, रुको, लेकिन यहाँ आएगा कहाँ से, यहाँ तो रेस्टोरेंट दिख नहीं रहा है, देखो मिलने लगा है कि अभी ये बस 175 से ऊपर पिज्जा नहीं है 9 इंच, बहुत बढ़िया, मतलब महंगा है, सही है तो है कहाँ पे, यही पॉइंट है, डोसा दे दे यार, डोसा खा लूं मैं, भूख लग रही है। चलो पूछ, भूख तो मेरे को भी लग रही है, अभी समोसे ले ले। आज को भाई समदरिया में ना पिक्चर मेरे लिए बात नहीं होती, पहले वो 25 रुपए का समोसा होता है, ये फोटो खिंचाने को है, सेल्फी वगैरह जाते हो अपने यहाँ क्या होता है, सेल्फी लेते नहीं, वीडियो तुम नहीं खाए समदरिया के पहले ना भाई साहब, जल्दी से एक एक समोसा दे दीजिए तो हम लोग खा ले पहले तो। हाँ एक हमें एक, इसको एक में गंद जाता है आदमी, उसके हाथ ही देखते हैं, अगर खुल गया तो कुछ खाते हैं, अभी कैसे खा पाएंगे 10 मिनट बाद तो वो है। अरे अरे हो गया यार, डोनट्स भी हैं, बर्गर भी है, लेकिन समोसा बेस्ट रहता है, सॉस अच्छा है तो पैसा। हाँ बताओ कैसा लगा तब बड़ा समोसा जो तुम बोले, समोसा नहीं खाएंगे देखो आएगा, अच्छा लगता है बहुत प्रोफेशनल नहीं है पर टाइम पास करते रहते। पीटी सब समोसे,
बताओ कैसे लग रहे हैं हम दोनों कार्टून। ये अच्छा थिएटर, इसकी स्क्रीन भी अच्छी है, सिटिंग भी अच्छी, पता ही तुम लोग का है। अभी देखना साउंड, एसी भी अच्छा है, साउंड मतलब ओवरऑल ही बहुत अच्छा। हम लोग ठंडा आ गए थे, बहुत अच्छा थिएटर है। देखो तुम भूखान तो, ये और समोसा तुमको पसंद आ गया है, सैंडविच भी ले। एक सैंडविच, दो ले लेते हैं ना, एक ही ले। हाँ वो भी ठीक, खाना भी तो खाना है, नूडल्स भी तो खाएंगे अभी आके अपन। हमको भैया सबसे चार ये वाला समोसा देना था यार, मेरे को वो वाला समोसा जो सबसे बड़ा है, ये वाला, ये तीसरे नंबर वाला। हाँ ये वाला समोसा, हाँ ये मेरे को चाहिए। अभी हम इनसे पूछते हैं भाई साहब से, ये रॉयल सिनेमा के बहुत बड़े फैन थे, और ये लोग आशीष मोटर्स वाले समदड़िया गोल्ड आते थे, मैं बहुत समझाया था, बहुत बढ़िया थे। आप बताओ रीवा का बेस्ट थिएटर कौन सा है? समोसा नहीं, लेकिन थिएटर भी बढ़िया है। देखो 3D सबसे अच्छा है, नो डाउट 3D अच्छा है, उससे अच्छा है जो ग्लासेस अभी नए हैं तो नहीं, लेकिन नहीं मैं पर्दा अच्छा है, एक ग्लास में लेके जाऊंगा यहाँ से, क्या है ना कि अगर रॉयल पे जाऊँगा तो यही ग्लास यूज करूँगा, ठीक है। थिएटर ये उससे बेहतर ही नहीं है, खान सब ओवरऑल सिटी मिला लो, एसी मिला लो, पर्दा मिला लो, ये जो है, और नाश्ता पानी सब मिला लो, और बाथरूम कितना अच्छा है, बाथरूम भी ठीक है, सब बढ़िया है। उसके रॉयल सिनेमा वाला टॉयलेट ऐसा है, हिट जाए सर, नहीं भूल गए तुम, याद ही नहीं। दूसरा बता पिक्चर कैसी है? पिक्चर जुरासिक वर्ल्ड को याद करके अगर बताओ तो कैसी है? एक नंबर। और अगर जुरासिक वर्ल्ड को भूल जाओ तो? मालूम क्या किया इन्होंने, मालूम इन लोगों ने क्या किया पिक्चर में, सीरियस पिक्चर होनी चाहिए, जैसे बैटमैन की पिक्चर होती है सीरियस, इतना खतरनाक फील लेना आया है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, कॉमेडी बना दिया, पंच पर पंच। और क्या डायलॉग था वो कीमा वाला भी, और क्या था कॉमेडी, अरे पूरी मूवी कॉमेडी है। हाँ मतलब लग ही नहीं रहा कि कोई खतरनाक विलेन है, लग रहा है कोई लुल्ल ऐसी कॉमेडी चल रही, बॉलीवुड स्टाइल का ये लोग कर दी, कचरा कर दिए पूरा। एक बात बता दूं, इंडियन रिव्यूअर्स का रिव्यू और एमपी के सीएम हेल्पलाइन का कोई भरोसा नहीं है, कभी विश्वास ना करना इस पर। बच्चों की पिक्चर निकल गई यार ये तो, यार हम भी बच्चे ही हैं। तो बज रहे हैं 11, पिक्चर देख के हम आ गए, और यार कचरा कर दिया इन लोगों ने, बॉलीवुड के तरह से इन लोग पिक्चर बनाने लगे हैं। मतलब एक गॉड हंटर गॉड किलर विलेन था इसमें, और क्रिश्चियन बेल हैं उस रोल में, और इन लोगों ने पूरी पिक्चर कॉमेडी करके रख दी है, इससे कॉमेडी चल रही हो, और इतने खतरनाक विलेन को के साथ मस्त फाइट होनी चाहिए थी, थोड़ा सीरियस पिक्चर होनी चाहिए थी, कॉमेडी बना दिया इन्होंने पूरा। तो ओके टाइप की जुरासिक पार्क देख के आए थे लास्ट टाइम, तो इसलिए फिर भी झेल गए, इसको ठीक लगी उस हिसाब से। तो शायद नेक्स्ट पिक्चर थोड़ा बढ़िया रहेगी, क्योंकि ज्यूस जो है वो घायल हो चुके हैं और हरकुलिस आ रहा है। तो चलो हो गया, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड डे, एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।